दोबारा पूछ रहा हूँ हो क्या मसला है, गरीबों ने क्या बिगाड़ा तू गरीबों ने मेरा नहीं बिगाड़ा खुद का बिगाड़ा कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर किसी ने जो है डिग्री होल्डर है किसी में मास्टर आप उनसे पूछो ये मैं आपको लिख के देता हूँ जो यूनिवर्सिटी में सीखा है क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में दे, काम दे रहे लोगों के लिए मुझे गाड़ी देने का शौक नहीं लेकिन ये वाद गाड़ी है जो तस्वीर मिलती है जो जब ये मैं ना कहूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ में है। कुछ हाँ। पहले इंडिया इंडिया भागना इंडिया भागना। तो की चैनल पे हर वीडियो में तीन चार मिलियन सब्सक्राइबर है लेकिन सत्रह हजार पंद्रह हजार लेकिन मेरे वीडियो पे एक मिलियन बात यहाँ पर लेकिन मुफ्ती साहब के यहाँ पर मुफ्ती साहब ने कहा अगर चौथी शादी करनी है तो शायद अनवर पर वीडियो बनानी है और फिर एडसन से वैसा आना है और ये तो बल्ले बल्ले वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट और इस बार जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे गेस्ट हैं नन अदर देन गरीबों और वालों का बहुत बड़ा दुश्मन शाहिद और इस वक्त मैं अमेरिका में, में मौजूद हूँ वर्जीनिया और uh, सी में मेरी मीटिंग थी रिगार्डिंग और एजुकेशन चैनल काफ़ी लोगों से मिलना है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं पीपल हु आर ग्रेट इन देयर पीपल हु हैव ग्रेट सक्सेस स्टोरीज या फिर uh, जो uh, इन चीज़ों पे उनका फोकस रहता है uh, या फिर जो पाकिस्तान को गिव बैक करना चाहते तो उनको एक जरा प्रेजेंटेशन देनी थी तो शाहिद का मुझे मैसेज आया कि बोला भाई आप आ रहे हैं तो लेट्स कैच अप एंड ही इज़ बिन अ वंडरफुल होस्ट सो फार बड़े मज़े के खाने भी बनाते हैं तो शाह की स्टोरी आप सबको पता ही है ब्लॉग आप देख चुके होंगे शायद के घर का और गाड़ियों का जो हमने बनाया था एक छोटा सा मैंने सोचा एक डिटेल्ड वर्जन जो है वो चलते फिरते नहीं हो सकता इट बी सीटेड डाउन बैठ के आराम से शायद कैसे हो आप अल्हम्दुलिल्लाह कैसे अल्हम्दुलिल्लाह भाई गरीबों के इतने दुश्मन दोबारा पूछ रहा हूँ क्यों क्या मसला है गरीबों ने क्या बिगाड़ा तो गरीबों ने मेरा नहीं बिगाड़ा खुद का बिगाड़ा है

In Great Falls, Virginia, and I'll keep making a million dollar every month. मुझे क्या मैं 20 का कोर्स 30 का कोर्स वो कामयाब बना है चुप करके बैठा है अपने हाँ। लोगों को साथ में क्यों उठाते हैं हाँ। यूनिटी उनमें क्यों है ये हमारा सबसे घटिया कॉन्सेप्ट है कि भाई अमीर बन जा चुप चुप किसी को ना बताओ और बाकी बात रही कोर्स की कोर्स तो हमारा दस डॉलर का नहीं है दो तो सौ सतानवे डॉलर का है हुँ. हमारा एप भी है सो आई थिंक लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं स्कूल जाते हैं किताबें खरीदते हैं फीस देते हैं तो इससे अच्छा है ना कि वैल्यूएल स्किल सीखे और आगे बढ़े और जो है इस चीज में इस like, वो की डिग्री भी करे भले कोई मसा लेकिन ये भी करे आई थिंक Okay, so hmm. 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 देखो एक चीज जो सिखाती है ना यूनिवर्सिटी आई आई एम टोटली देखो आज़ाद शाह वाला का भी यही कहना है कि यूनिवर्सिटियाँ बेकार है वगैरह वगैरह पाकिस्तान की येस यू कैन से ग्रेट एक्सटेंड इज ट्रू वहाँ पे लड़कों को लड़कियों को सी वी बनाना

कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर किसी ने जो है डिग्री होल्डर है किसी में मास्टर है आप उनसे पूछो ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपने जो यूनिवर्सिटी में सीखा है क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में दे, काम दे रहा है या नहीं हुँ. अगर उसने कहा नहीं तो फिर हुँ. आपको आंसर मिल जाएगा इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स आपने यही लव क्यों चुना लोगों के लिए मुझे आ, गाली देने का शौक नहीं लेकिन ये वाहिद गाली है जो तस् मिलती है जो जब ये मैं ना कहूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रह गया हाँ। तो ये एक सुकून हाँ। जैसे कि कि मतलब वो है कि शादी में कोरमा खा सेवन अपनी मिली। हाँ। तो ये है कि है। ये जब गरीबों को नोलू ना फिर मुझे सुकून नहीं है। आपके साथ मैंने खाना खाया है आपके लिए मैंने खुद खाना पकाया है आपके सामने टेबल पे रखा है आई थिंक एरो के साथ अच्छा लगता है एंड बाकी हम इंसान है बट आपने मुझे सोशल मीडिया पे और पर्सनल लाइफ में आई एम डिफरेंट पर्सन दैट्स ट्रू। सो डिपेंड करता है कि मैं चाहता हूँ कि इनको पुश करूँ और hmm. ये जो है जलालत की थ्रू जो है कोई कुछ करे या तो ये खुदकुशी करेगा या चेंज खुदकुशी करे अच्छा है बेहतर हो जाए <laughs> आपने एक बार बोला था गरीब की तरह होता है hmm. What did you say that? Uh, I know, कुछ लोगों को जो है ये बुरा लगेगा बट देर इज अज मैंने इसलिए कहा था कि हम टट्टी को जो है फ्लश करते हैं कि हम उसको जो सजा के तो नहीं रखते हैं। कि भाई साहब ये मेरी टट्टी है ये रहेगी वहाँ पे हम शेल्फ में रखते हैं टट्टी को फ्लश होता है राइट right. सेम गरीब है जब बूढ़ा हो जाए कंपनी उस पर फ्लश मार देती है hmm. पूछते भी नहीं कि भाई टट्टी खान किधर गया गायब <laughs> <laughs> खड़ा <में laughs> so yeah. I'll tell you, I'll be very honest with you. You know what was turning point in my life? I was also पार्ट ऑफ वन नाइन टू फाइव साइकिल जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में बात की सुबह का अलार्म वो सैमसंग वाला जो एक पर्टिकुलर अलार्म है वो मेरे लिए ट्रिगर है तो आ, हमारी कंपनी में एक बंदे ने शारजा में मैं नौकरी करता था अड़तीस साल की उसकी सर्विस थी अच्छा थर्टी एट ईयर्स साउथ इंडियन था राइट right? अच्छा जी उसका रिटायरमेंट का एज आ गई थी उसको वापस जाना था इंडिया तो उसको जो है कंपनी ने शारजा का एक बड़ा ही लाइक लो लेवल का रेस्टोरेंट था नाम नहीं लेता उसका वहां पे आ, स्टेक खिलाया अच्छा और तीन सौ दरब की फेक राडो की घड़ी दी अकबर अच्छा अब मैंने सोचा यार इस बंदे ने अड़तीस साल अपनी जवानी के अपनी स्ट्रेंथ के अपनी पूरी जिंदगी उसने इस कंपनी को दिया और कंपनी ने आगे से का स्टेक खिलाया गंदा वाला राइट आप आधा भी नहीं खा सकते काली मिर्च का भरा

मैंने गरीबों को एक बार कहा था कि गरीब में जो है कुत्ते का डीएनए पाया जाता है मैसेज अभी आपको कहो कि कुत्ता तो वफादार वफादार होता है नहीं, नो जो वफादार, अभी गरीब वफादार होता है अपने मालिक के साथ ये आराम तो तो वफादारी करता है तो मालिक तो का है। नमक खाया है मेरा बेटा भी इसका नमक खाएगा नम है धीरे से मैसेज मेरी वर्ड्स जो है आपको दूसरी दुनिया से कि यार ये क्या बोल रहे मैसेज कि मैं कहता हूँ कि इसमें डीएनए बी से गरीब एम से बी से ये ये सारे सारे जो है में पाए जाते हैं क्यों अगर आप कुत्ता था कि कितना वफ़ादार होता है hmm. मैं नहीं चाहता कि यार तुम्हें hmm. तुम्हें वफादार रहना क्यों है अपने साथ वफादारी करो राइट right? hmm. अपना काम करो अपने दिस इज द प्रॉब्लम मशीनें हैं ना

वहाँ से तस्वीरें खींच के भेज रहा था और मैं कोयटा में खड़ा हुआ था और मैं यही देख रहा था कि वहां से वो इंटरनेट की तस्वीरें भेज रहा है और मैं शहर में खड़ा हूँ आपने दुश्मन के बच्चों को क्यों पढ़ाया था इतना। नहीं पढ़ाना था यार खुद दुश्मन के बच्चों को पढ़ाया वो आगे चले गए जमीन पर रह गए ये तो हमारी गरजी खैर अच्छा मुझे ये बताओ जी कि जैसे हमने ऑफ कैमरा भी बात की थोड़ी देर पहले आपको हमेशा से कीड़ा था जी कि मुझे यहाँ से निकलना है बिल्कुल यू फेल्ट मिसफिट गिल्टी थी गिल्ट था हमेशा से बिल्कुल आप घर से भागे भी जी क्योंकि मैं रॉन्ग प्लेस पे था और ये आपको रियलाइज शुरू से ही था जी शुरू से था अगर आप देखें आपने जब ये पानी का बोतल पिया ये कसको से जो है 6 डॉलर का पूरा केस मिलता है

पहले कहाँ भागे आठवीं जमात में मैं आठवीं जमात में लाहौर भागा था इंडिया के लिए इंडिया भागना था इंडिया भागना था तो इंडिया में ऐसी क्या खासियत थी मुझे लगता था कि मैं शाहरुख खान बनूंगा <laughs> मैं जो है एड्स करूंगा लेकिन अभी रियलाइज हुआ मोस्टली मूवीज वाले भी जो रो रहे इनको भी काम नहीं है बिजनेस अच्छा है अच्छा तो फिर इंडिया भाग नहीं भाग सके नहीं भाग सके क्या हुआ पासपोर्ट नहीं था जी और फिर अब अब गोली मार देनी है जन्नत <laughs> सही है ये क्लास एट में ये क्लास एट में वापस आए फिर मलेशिया आ, नहीं, फिर कराची कराची आए हाँ। जी, जी चार हजार रुपए चार हजार दो हजार ग्यारह में दो हजार ग्यारह में फ्रॉम दैट टू दिस dollars मिलियन million मिलियन that's amazing फिर कराची भी समझने आया फिर मलेशिया गया मलेशिया में दो साल तक के का मलेशिया भी समझ नहीं आया मलेशिया तो बोस के तप पड़ के गए ना वाले के साथ बी एमडबे काम नहीं है तो एक तो पठान हाँ। कीड़ा है हाँ। भाई मैं ये काम नहीं कर झेड़ मार दिया मुझे वो झेड़ ना उस्तादों ने बहुत मारा है इतना मारा है लेकिन उसका ये थप पड़ना यहाँ पर है मैंने कहा यार ये के आउट थप्पड़ मार सकता है क्योंकि इसका काम है इसका बी एमडब्ल्यू बी नफरत से दो टके की गाड़ी बी एमडब्ल्यू से दो टके की गाड़ी क्योंकि इस BMW आज आपको पता है भी से मेरा मैंने मलेशिया छोड़ दिया उसके उसके फिर मैं चला गया बैंकॉक

बॉलीवुड से भी डीएम आते शायद भाई हाँ, खैर तो तक नहीं ये है कि बैंकॉक हफ्ता गुजारा मैंने पाकिस्तानी देखे मैंने कहा यार अपना फ्यूचर नहीं है हाँ। मैं जहाँ पे हिजरत बहुत अच्छी चीज है मेरे चीज़ भाई हिजरत करो है ना हिजरत सुनना था भाई दिस इज दिंग लाइक भाई हिजरत 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 मैंने अमेरिका में पंद्रह से बीस स्टेट हिजरत किए जब मैं पहले आया हिजरत हिजरत एक तो थाईलैंड में टाइम गुजार के दुबई गया दुबई में टू वीक्स गुजारे वहां पर जो है लोग कोई हजार तो जब दुबई में देख लिया इतनी गुलामी है तो फिर मतलब आपने देखा के है हजार पंद्रह सौ तो सऊदी में क्या ही डिफरेंस हो जाना था डिपेंड करता है ना जगह चेंज हो मार्केट चेंज हो जाता है

फिर आपने एक दिन मोबाइल में देखा अली बाबा अली बाबा अली बाबा का कचरा आ गया अली बाबा का कचरा फिर आपने रगड़ा उसको जी वहां से जो है एक जूता निकला <laughs> जूते ने कहा गेस उठाओ और गरीबों की जय पिछवाड़े में मास इट्स अ वेरी फसीटिक स्टोरी अली बाबा का आपने एड देखा जी क्या देखा आपने मैंने उसमें देखा कि यार चीपेस्ट प्रोडक्ट से चीपेस्ट एमओक्यू है चीप शिपिंग है, है 30 डेज

गुरबत की एक बहुत बड़ी वजह यह है कल मैंने एक, एक किसी खातून का स्टेटस पढ़ा था कि पाकिस्तान में दो गरीब मिलकर शादी करते और आठ गरीब और पैदा कर देते अच्छा मौलवी साहब कहते हैं भाई बच्चा अपना रिस्क खुद लेकर आता है शायद अनवर कहता है कि भाई ये नहीं। ये नहीं गलत गलत अगर बच्चा अपना रिजक पैदा खुद लाता तो ऊँ की जगह जो है आसमान से जो है रिजक आता ना हो ये गलत बात बच्चा तो टट्टी लाता है डाइपर डाइपर के लिए पैसे चाहिए

ऐसे है जो अपने माँ बाप को मार देते तो बहुत ही कम पैदा होता है कि एक माँ, अभी मैंने अपने अम्मी के लिए एक स्वीट बनाया ना हाँ। ताकि ये न चले मैंने सत्तर हजार डॉलर जो है स्पेंड किए ताकि मेरे अम्मी अबू बारह स्टेप्स ऊपर रह अलग सोच तो हर बच्चा ऐसे नहीं होता तो ये गलत सोच है कि ये बड़े होंगे हमें पालेंगे बच्चों की जगह कंपनियां बनाओ बच्चे बनाने की क्या जरूरत है पांच मिनट का मजा सारी उम्र की सजा बन जाती है

वो रिन्यू करता है नहीं कभी हुरूफ लगा देता है पता नहीं ऐसा हो जैसे कि मैंने जो है इसकी बच्ची के साथ चक्कर किया हो ऐसा पर्सनल हो जाती है कभी भी लोग जो है ना ये पता नहीं ये लोग शेखों से क्यों इम्प्रेस है हमें इनकी तारीख का पता है शेख का जो है पिक्चर पठान जा की कमी सुतार की शेखुम है हमारा वो कौन है जो खबी सीख लेते यही <laughs> है ना यही हमें मसला है हम आगे नहीं जाते तो यहाँ पे मेंटली जो है मैंने कहा यार मुझे इस गुलामी से भी निकलना है वहां से जो है सब कुछ पैकअप करके अमेरिका है। अमेरिका है विज़िट वीज़ागी। विज़िट वीज़ा भी। तो तो कर सकते पूछा इमिग्रेशन पे काम तो नहीं करना है ना करें ना आप स्टेट स्टेटस देखे पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से अच्छा है आप विजिट वीजा पे आए तरीका नंबर वन या तो स्टूडेंट वीज़ा तरीक़ा नंबर टू या तो झूठी कहानी बताएं कि मेरी जान को ख़तरा है hmm. मेरी जान दो टके की नहीं तो मुझे पता है ख़तरा नहीं है तो मैं ये झूठी तरीक़ा नंबर थ्री आप ई टू एक लाख डॉलर से भी शुरू कर सकते हो अस्सी हज़ार पचास हज़ार से कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस हो तरीक़ा नंबर फोर जाके जो है आंटी को फंसाओ और बम 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 विच इज़ नॉट रिकमेंडेड

डॉलर की वर्थ यह राइट सो ना यू नीड टू है इसके लिए वैल्यूएल हो ताकिट करे तुम्हारे जी, लिए बिल्कुल ताकि right. इमिग्रेशन को कह सकूं okay, मतलब आ, ये जरा नीचे स्पा बन रहा है शायद जनवर का <laughs> तो ये मशीनों की आवाज आती रहेगी अच्छा

वहाँ की क्वालिटी को जो है वहाँ के सर्विस को जो है आगे लेके जाए एंड वी विल हायर अमेरिका आ सकते हैं जी आप हमारे गुलाम के। <laughs> अच्छा फिर अमेरिका आए फिर वहीं से चाइना से जूते मंगाया क्या क्या ऊपर चाइना की से सेम सेम का चाइना से जो है पुरसेस मंगाते थे शूज मंगाते थे पर पे जो है चाइना के शूज ज्यादा नहीं बिकते ओनली वो बिकते uh, जो शार्क बाकी जो है चाइना के पर्सेज बहुत बिकते वहां से जो है वॉलेट्स मंगा के पर्सेज मंगा के सेल करके ऑनलाइन फेसबुक मार्केट प्लेस पे वही पेल कर फिर उसके बाद आ, उबर भी चलाई तुमने यार। उबर जब मैं डिटेंशन से निकला फिर चलाया डिटेंशन में क्यों गए थे वो पकड़ा गया था रेड में इमिग्रेशन रेड में पकड़ा गया था जब नया नया आया सात महीने बाद पकड़ा गया

अंदर क्या था काले थे नहीं काले नहीं अस्सी लोग एक डोम में सोते थे पाकिस्तानी कोई पाकिस्तानी जो है करो। फे अब महीने के बाद मिला का निकला स्टायरस चेंज किया फिर से जो है अपने पैरों पर ऐसा बंद हूँ जब मैं निकला मेरे पास दो तरीके थे या तो बेगर की तरह दरिया में कूद लगा छलांग लगा के मर जा या जीरो से स्टार्ट कर मैंने फिर तो से जीरो से, से स्टार्ट लिया तो वो कैपिटल कहाँ से आया कौन सा मतलब तो दोबारा जो बाहर है दोबारा मतलब तो जो सेंटर्स डिटेंशन से बाहर है जब मैं डिटेंशन के अंदर था तो मुझे याद है मेरे अकाउंट में अस्सी हज़ार डॉलर थे मैंने चालीस हज़ार डॉलर जो है वो कीड़ों पर स्पेंड किया था मैंने बारह हज़ार का जो है डी एच को बॉन्ड भरा था कुछ पैसे थे जिससे टोयोटा कैमरी ली दो और जो है फिर से शुरू किया उबर चलाए और उबर चलाते चलाते आप इस एरिया से गुजरते थे ग्रेट फॉल से मैं गुजरता था कि मैं एक दिन पे हाँ। और में जो है मेरे पास एक वो डॉक्टर साहब के पास गया था मुझे जो है पेशाब तो के लिए वो चाहिए डब्बा वो गर्म डब्बा पड़ा रहता था हमेशा अंदर ही करते थे है ना में टॉयलेट नहीं मिलता तो गाड़ी के अंदर जो है वो डब्बे में इकट्ठा करके रियली यस ऐसा क्यों क्योंकि डीसी में रेस्ट रूम नहीं है ना तो वहाँ पर आपको पता है पार्किंग भी इशू है हाँ। तो हम जो है के लिए एक डब्बा होता था हमारे साथ हॉस्पिटल से मिला था तो उसको जो है फ्रंट सीट पे एक दिन लड़की बैठी थी तो उसका पैर लगा के था ये आपका पी का बकेट है मैंने कहा ट्रक तो तो yeah, वाले अंदर के ट्रक के अंदर करते हैं है ट्रक वाले

क्या नजारा है वहाँ से हाँ। बड़ा मजा आया आई हेड वेरी गुड टुडे मतलब वहाँ से आप अगर मेरा मेरा स्ट्रीट देखो मैं तो बादशाह के लिए अलग स्ट्रीट है जब मैं करता हूँ तो सारा ऐसा दिख जाता है सारे शीशे अगर आपने ड्रोन उठाओ ना कभी मेरे घर से मैं कर रहा हूँ तो मैं आपको हाई कह दूंगा <laughs> देख लेना आप नजारा <laughs> शाहिद अनवर एक्सपोज एक्सपोज अच्छा तो फिर दोबारा आपने स्टार्ट किया जीरो से जीरो से चाइनीस प्रोडक्ट बेचे एक फेसबुक एक, जो है चीजें खरीद के आ, से पुरानी स्टोरेज लिया था अस्सी डॉलर पर मंथ का काउच लेते थे उसको साफ करके रेफ्रिजरेटर लेते थे उसको साफ करके गैस डलवा दिया सब कुछ करके टिप टॉप करके फ्लिप करते, करते, करते थे सब कुछ किया मैंने

कुछ लोग तो बिकार बने गवर्नमेंट से जो है सैलरी लेते कि नहीं मुझे बिकारन लाइफ नहीं चाहिए थी मैंने जो है आई डिड समथिंग मैंने प्रोडक्ट सेल किए मेरा पहला प्रोडक्ट जो था ई वाला एंकलेट था जी ई वाला एंकलेट था थर्डी सन का लेते थे पंद्रह डॉलर का सेल करते थे ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया फिर हमने जो है आई लैश ग्लू लॉन्च किया तो ऐसे ही जो है आराम आराम से पहले प्राइवेट लेवल जेनरिक शुरू किया था अलहमद ब्रांड रिसेवन से सही तो फिर अभी आपकी जो ऑपरेशन है वो कहाँ कहाँ

चौबीस अनवर दिन का पांच बोटल पी जाता है ऐप ट्रैक करता है अगर ये पांच पीता है इसका मतलब कि इसे चार पांच दिन में नया कैश चाहिए ऑटोमेटिक वो सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन जो है मेरे अकाउंट को चार्ज करके राइट अवे मेरे घर के सामने नेक्स्ट डे कैश आ जाता है खुद ही मुझे कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि रिकरिंग सब्सक्रिप्शन है जैसे कि नेटफ्लिक्स का आपका सब्सक्रिप्शन है तीस को खत्म हो जाए फिर से रिन्यू रिनी ऑटो रिने

Uh, मुसीबत के तौर पे साबित हुई आपकी। yeah. है आपकी खैर अच्छा ये बताएं कि आजकल कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा चल रहे हैं या वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें सैचुरेशन नहीं है एंड देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ स्कोप जितने भी अपकमिंग सेलर्स अह देखिए सैचुरेशन ये एक बहुत ही फजूल वर्ड है बिजनेस में लोग कहते हैं कि मार्केट सैचुरेट हो गया है नो इट्स नॉट हो सकता है मार्केट में करेक्शन की जरूरत हो जाओ रिव्यूज में जाओ रिव्यूज में देखो कि उस प्रोडक्ट में मसला क्या है सप्लाई को, को यार ये मसला ये हल के दो हल करके दो अगर वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया दि इज नो पब्लिक आपकी तरफ आ जाएगी अब तीन चार ऐसी कैटेगरीज है जो हर एक बंदे को सेल करनी चाहिए और आपके पास पैर है चलने के लिए राइट ओके गरीब के पास तीन पैर होते हैं समझ रहे हैं ना ओके सो और गाड़ी जूता चाहिए और गाड़ी चाहिए तो गाड़ी का एयर रिफ्रेशनर हुआ टायर शाइनर हुआ हुए, आ, सोप हुआ जो भी हुआ आप उसका स्टोर बनाए दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री कोई भी, भी बारे में बात नहीं करता दूसरा हेल्थ एंड ब्यूटी पर्सनल केयर अगर आप वाइटामिन सेल करते हो ऐसी जी तक सेल कर सकते हो तीसरा कैटेगरी होम किचन एंडिकोर

जिसमें जो है आपको रिटर्न आए कारोबार का मोस्टली चीज जो है रिटर्न और रिफंड से जो है बर्बाद हो जाता है अच्छा पाकिस्तान में जो है कहते हैं जी लिया हुआ वा माल वापस नहीं लिया जाएगा ये तो गलत बात है इसलिए तो वो सारी जिंदगी नाकाम रहते हैं आज कल नफदार खरीदा हुआ सामान नहीं बोलो माशाल्लाह और ये क्या बकवास है चिंची भी बोल दिखते हैं माशाल्लाह वही जिसके जो है है वो वो लिखेगा माशाल्लाह तो हर हाल में खुश है। में खुश किस चीज रिक्शे पे नहीं ना खुश हर हाल पे खुश नहीं रहना चाहिए खुद को जो है जलील खुद को जो है डिप्रेस करना चाहिए। ताकि बंदा मूव हो पे कंफर्ट जोन में चले जाओगे हर हाल में खुश होना ये तो ये तो बहुत ये तो बहुत बुरा सोच है हर हाल में खुश रहो अलहमदुल्ला को कहो बेटर कंप्लेन करो या अल्लाह मैं खुश नहीं हूं

Hmm. आपसे अच्छा अच्छा तो आप हो। hmm. आप गुना होगा सवाग सवाग है। लेकिन words, words है। hmm. आप क्या बोलते हो आप सोचो क्या आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के क्या बातें करते हो दोस्तों के साथ क्या आप फूल बखते हो या आप जो है प्रोडक्टिविटी की बात करते हो क्या आप अपने विजन को आप आपसे को को सुना है राइट विजन लोगों को बताओ लेकिन प्रोग्रेस को छुपाओ टू थिंग्स अगर आप एक चीज कर रहे हो और लोगों को बता देते दे, हो वो चीज कभी नहीं होता साइलेंस में उस चीज को बिल्ड करो फिर लोगों को प्रोसेस सिखाओ लेकिन विजन हर किसी के सामने कहो ताकि लोग तुम पर हंसे और लोग हंसते हैं लोग तो पता ना बहुत छोड़ देखे अगर हम ऐसे मजमे में बैठे ओके गांव में हम चाय पी रहे आपका बच्चा अगर कहे कि बाबा मुझे मिलियनर बनूंगा हम ले लेंगे गांव वाले देखो इसका बट्टा कह रहा है कि मैं बनूंगा इसका दादा जो था ये था ये वो तब ये लेकिन एक बंदा है जो नहीं हंसेगा आपके बच्चे पे hmm. कौन होगा मैं हूंगा क्योंकि मैं आपके बच्चे को विजन को समझूंगा तो मोमेंट जब वो लोग आप पे हंसे तो आप अच्छा बोलो जब भी जहाज देखो कहो कि यार एक दिन ये जहाज मेरा होगा कुछ बड़े लोग हंस लेंगे और जो है कुदरत का जो है कानून है अल्लाह जो है आपकी जो है मुराद पूरी करते कहो कि भाई ये ऐसा होगा बट पॉजिटिव बोलो भाई जैसा तुम सोचते हो बोलते हो तुम्हारी नसीब और तकदीर और तुम्हारा आने वाला कल बन जाता है सही है बड़ा मसला ये ना लोग सोचते बहुत है चाहिए है मगर हिलते ही नहीं है

जहाँ पर बच्चे जो है ई e कामर्स जितनी भी गेट हुए हैं उनको एक्सेस कर पाए राधर देन यू के गोरो के सामने मुंह को लाना अमेरिका में नॉन रेजिडेंट एल एल सी ओपन करना वी डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दोस अगर लीगल एंटिटीज़ हो जहाँ पर हमारे मुल्क में एक सर्टिफिकेट को वैलिडेशन मिले वर्ल्ड वाइड पे हमारे पासपोर्ट को नहीं मिलती तो यार ये वो क्या चीज़ है सही से बोल रहा हूँ तो आई थिंक अगर पाकिस्तानी अच्छा अगर वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पाकिस्तान से बैठ के अपनी एंटिटी बनाओ पाकिस्तान से बैठ के जो है फुलफिलमेंट ओपन करो ठिक टॉक पे लोग पता है ना मुजरा करते हैं डबल टैप डबल टैप गाइज में अपनी बीवी के मुंह में दे रहा हूँ कुल्फा जल्दी जो है डबल टैप करो डबल टैप करो हार्ड भेजो शेर भेजो अगर मैंने अपनी बीवी के मुंह में दो कुल्फे दिए आप जो है शेर मारो ना, ना दैक ठिक टॉक पे मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप आज टिक टॉक पे स्टोर ओपन करें अगर आपको कल आठ पाउंड का सेल ना आया आप जो है जाके कहना कि यार ये मैं गलत जगह पर था टिकॉक पे स्टोर ओपन करें टिकॉक सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट बिजनेस हुँ. ये नहीं कि तुम अपना पिछवाड़ा हिलाते हो जाके जो है आगे आके जो है फजूल कंटेंट आते हो नो एन आई नो दे कान्टेंट बकवास कंटेंट इससे अच्छा है इस टिकट पर टिकट पर स्टोर ओपन करे टिकट के साथ सीधे लॉबशिप को जो है कनेक्ट करे प्रोडक्ट लिस्ट करें टिकटॉक पे एक बिलियन यूजर है सेल प्रोडक्ट राइट okay. okay, okay. और, hmm. like, और मैं अपनी

उन्होंने बोला भाई ये होता है और ये करते हैं मैंने okay. बोला एक काम करे uh -huh. इससे पहले कि हम बातें करें बिल्कुल uh -huh. क्योंकि नेट पे इतने सारे हैं ये uh -huh. एक काम करते हैं मैं अपना दस हजार डॉलर लगाता हूँ yeah. एक स्टोर बनाता हूँ आपकी सारी एडवाइस मैं फॉलो करूंगा छह महीने आठ महीने विल आज ये है, आज ये फरवरी मार्च अप्रैल में yeah. और छह महीने बाद स्टोर खुला था आज पैंतीस हम आपके दो सौ यूनिट टेस्ट कर देंगे ठीक है इफ दैट वर्क फिर मैं बोलूंगा हाँ ये सही बात सो जब मैंने कुछ लोगों को ये बोला आप ये करके दो मैं पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ सब भाग गए मैं नहीं भागूंगा मैं आपके साथ ही ठीक है भाई एक वन मिलियन डॉलर शाहिद अनवर ने प्लेज किए सही है लेट्स डू इट लेट्स इफ इफ दिस वर्क्स एक एक मिनट हां works वर्क्स आई एम श्योर आई एंड आई आई नो इट वर्क्स फॉर अमेज़न अमेज़न का अमेज़न का मालिक जो है उसकी नेटवर्थ कितनी है 200 बिलियन डॉलर अमेज़न का पूरा वर्थ कितना है और अच्छा है तो वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम दे आर सेलिंग समथिंग दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स amazon काम करता है tiktok काम करता है क्या तुम काम करते हो दैट्स द प्रॉब्लम आप इस पे काम करते हैं आपका ये एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं आज आपका एंटिटी आपका amazon day वन आपका amazon का प्रोसेस होगा day 2 आपको सप्लायर बुक दिया जाएगा day 3 आप सप्लायर के साथ अकाउंट बनाओगे देयर फॉर सप्लायर से सामान लेंगे day 5 amazon सेंड करेगा day 6 एक्टिव day 7 से नाइस

जो करना है खुद करना है गुरबत मुझे भी जहर लगती थी उतनी ही जहर लगती जितनी शायद को लगती थी और वो नफरत जो है उसको हमने फ्यूल बनाया बिल्कुल और वो आग जो है नेगेटिवली नहीं जाने दी पॉजिटिवली चैनलाइज किया तो आज ये ग्रेट फॉल्स में बैठे हैं और मैं ग्रेट फॉल ट्रैवल करके आ गया उस इकोनॉमी में जहां डॉलर तीन सौ तीस रुपए ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्र है लाख लाख एहसान है बट वो फायर चाहिए और वो फायर आनी अंदर से ही है किसी ने आप क्या आगी आगी? की हेल्प नहीं करनी हाँ रास्ता जरूर दिखा देंगे लोग लेकिन एक्शन आपने ही लेना है ठीक है ना अब ये पूरी मेरे सामने इंसाइक् दो सौ सप्लायर पच्चीस सौ सप्लायर पच्चीस ठीक है अब वो बिलियन डॉलर का सामने एक रख दिया है अब वो मेरे ऊपर है मैं कितना मेहनत अच्छा ये बात बताए कि पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं वो क्लेम कोर्स सेलिंग बहुत चल रही है क्योंकि okay, पाकिस्तान में ऑब्वियसली महंगाई भी है परेशानी भी है तो जहाँ इस तरह की होती है वहाँ नौसरबाज भी एक्टिव हो जाते हैं और मंजल सेलिंग बहुत होती है okay, बहुत से लोग है। जो है, आप कहते उनको जिनका अपना डिजिटल बनाऊंगा सबसे पहले उसे पूछो तुम्हारे पास मिलियन डॉलर है अगर कहीं नहीं

अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मैं आपका स्टोर लॉन्च करता हूं आप मुझसे सबूत मांगो भाई अपना स्क्रीन रिफ्रेश करो इनफोप्रोनोर्स आपको पता है स्कूल में भी है कॉलेज में भी है यूनिवर्सिटी में भी है दिस इज द इजी वे टू डू और आजकल जो है लोग सीख के लोगों को सिखाना शुरू कर टू रियलाइज कि क्या वो बंदे का लाइफ जो है उस स्टैंडर्ड पर है नहीं अगर नहीं उसे मत सीखो डोंट सबसे पहले तो आपको नेगेटिव वाइब आएगी

कपड़ों में और ऊपर ये ऐसे और चमकीली दाढ़ी और वहां में गरीब पांच सौ साल पहले जन्नत जाएगा हिसाब होगा इसका लैंड कूदर का हिसाब नहीं हो रहा इसकी एक्सेंस का हिसाब नहीं हो रहा लेकिन भाई गरीब का हिसाब हो रहा है भाई तू ऊंट पे क्यों नहीं जाता कराची औरंगी <laughs> चौक में ऊंट पे जाओ ना राइट एसी में बैठा है और पंखे चले और कुछ लोग तो पैर दबा रहे जाके दरख्त के साय में बैठ के ये बातें करो लेकिन नहीं मुफ्ती साहब का वीडियो मैंने देखा चैनल पे मुफ्ती साहब के चैनल पे हर वीडियो में तीन चार मिलियन सब्सक्राइबर है लेकिन सत्रह हज़ार पंद्रह हज़ार ये व्यूज है लेकिन मेरे वीडियो पे एक मिलियन वो बात यहाँ पर लगी लेकिन मुफ्ती साहब के यहाँ पर लगी मुफ्ती साहब ने कहा अगर चौथी शादी करनी है तो शायद उन पर वीडियो बनानी है और फिर एडसन से वैसा आना है और ये तो बल्ले बल्ले मुफ्ती साहब को जो है नशा चढ़ गया

मैसेज किया था कि आपके नाम पे जो है किसी ने मुझसे मैंने कहा लोगों को गया है मिशिगन में एक लड़की से बारह हजार डॉलर का जो है स्कैम हुआ है मेरे नाम पे really? या बिटकॉइन पे किसी इंडिया ने इंडियन में किसी लड़की ने मेरे नाम पे जो है टेलीग्राम ग्रुप बनाया है और उस टेलीग्राम ग्रुप पे लोगों को वो क्रिप्टो का वॉलेट देते हैं आप जब उसमें पैसे डालो खरीद सकते हो लेकिन विड्रॉ नहीं कर सकते बेचारे का बारह हजार डॉलर जो है आप फिर मेरे बाई से रबता किया मैंने बाई से मैंने कहा यार ये तो पूरा स्कैम है मेरे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दे देते अगर आप टिकटॉक पे जाओ हज़ारों फेक फॉलोअर्स हजारों फेक, फेक अकाउंट्स लोगों को ठकते हैं लेकिन लोग यहाँ से काम नहीं लेते भाई ये तो आपका प्रोफाइल है आपका नाम है हमें कैसे पता भाई तू पागल है मेरा दिमाग नहीं खराब मैं तुमसे दस डॉलर का अमेजोन वाला गिफ्ट कर <laughs> <laughs> सही तो अब मुफ्ती साहब ने वीडियो नहीं बनाई फिर फिर जब मुफ्ती साहब वीडियो नहीं बनाते तो उनका चैनल डेड अब आई थिंक और बनाएंगे अभी मैंने सुना है कि पांचवी शादी कर रहे हैं <laughs> तो पांचवी वीडियो आनी है इतना भाई मुझे ये है कि 2012 में मैंने YouTube शुरू किया अच्छा तेरह 14 में एक कॉन्ट्रोवर्शियल जिसकी वजह से यूट्यूब पाकिस्तान में मौलवी ने बैन करा दिया अच्छा, तीन साल वो बैन रहा और तीन सालों में था बील वो कहा से कहा था फिर जब इनको पता चला मौलवी हजरा किस डॉलर भी बनते हैं आज सबके चैनल है और मिलियंस मिलियंस में हैं अब सब व्लॉगिंग भी कर रहे हैं। कर रहे बिल्कुल ठीक है फिर कल से जाके आ, अगर वो काम हाँ तो ये मेरा एक रहता है, कि भाई है, भी है जिसने जो करना है करे देखिए माल जो है अल्लाह अल्लाह ना अल्लाह अल्लाह अपने बंदे को जो है अच्छा खाना के देखना चाहते हैं अच्छे कपड़े अच्छे घर में अच्छे मकान पे फजूल बात है कि दुनिया जो है काफिर के लिए सारी शेख काफिर है बुर्ज खलीफा जिसने बनाया है राइट हाँ। बुर्ज खलीफा किसने खड़ा किया है तुम्हारा वो बुर्ज खलीफा नहीं जो तुम रात को मिले खलीफा देखो वो नहीं वो तो फ्री में खड़ा हो जाता है ये जो बुर्ज खलीफा किसने खड़ा किया है ये शेख नहीं ये शेख तुम्हें काफिर लगता है ये शेख लोग कौन है के लोग वर्ल्ड कप करा लिया वर्ल्ड कप करा लिया सऊदी के लोग देखो बाई दे <laughs> हम उनसे जाके भीक मांगते हैं हमारा एक फैसल मस्जिद है जिसमें हम ये टिकटॉक बनाते हैं वो भी शाह फैसल ने हमारे लिए बनाई है हम अपना मस्जिद नहीं बना सकते पुल नहीं बना सकते क्यों हुआ है? ये का इम्तिहान है तो इम्तिहान सारा सिर्फ तुम पे <laughs> दुनिया भर में नहीं तो है। पास, करो ना? पास करो ना ये तुम यार ये ये पैसा वाला जो भी मुझे कहना है अला ने इम्तिहान मैं डाला इतना पैसा भैया दिस इज द बेस्ट इम्तिहान मैं तो चाहता हूँ की अल्लाह मुझे और ये सौ दो सौ मिलियन और जाए इम्तिहान और जाएगा ज्यादा हिसाब जाएंगे क्या बात है और ना बनाए अब तेरे क्या चक्कर है तेरे साथ होगा मेरा पैसा है चल ठीक है ये मेरे पैसे तू रख ले वो फॉरन ले हाँ वो तो कहेगा अकाउंट में डाल दे

तो आ, हम फूल खेल रहे थे तो ऐसे आया गपशप हुई तो उसने मुझसे पूछा कहाँ से मैंने कहा पाकिस्तान से हो क्या काम करते हो मैंने कहा जो अमेजान पर सरकल तो उसने कहा ये नीचे जो बेंटली और एस्टन मार्ट और जी वैगन आपकी है मैंने कहा जी मेरी ये मेरा दोस्त भी जो है ना मल्टी मोर्टी है उसके पास फरारी है ये है वो है तो मैंने कहा आपके पास क्या है तो उसने कहा निशान मैंने कहा वो आपका दोस्त है ही नहीं कह रहा कैसे बात करो उस बंदा चला गया अपनी बीवी कह रहे कि इसने मुझे कहा कि मेरे दोस्त के पास बन सब कुछ ए, एस्टन मार्टिन फरारी है और बड़ा बंगला है लेकिन इसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या मैंने कहा निशान ये कह रही है तुम्हारा टी दोस्त है ही नहीं तो ये इसने ऐसा क्यों कहा मैंने कहा मैंने इसलिए कहा कि आप अपने दोस्त के घर जाते हो हाँ मैंने कहा आपका दोस्त आपको जलील कर रहा है कह रहे नहीं मेरा दोस्त तुम तो मुझे जलील नहीं कर रहा है जहरील तुम निशान में जाते हो तो मैं लेवल अप नहीं कर रहा अगर मेरा दोस्त सबसे पहले तो मैं दोस्त बनाता नहीं मैं जाता हूँ दोस्त की जगह कुत्ता था रखो खुद इज योर बेस्ट फ्रेंड

चाहते हैं कि हाँ मेरा दोस्त तरक्की करे लेकिन इतनी ना करके मुझसे आगे चला जाए ये भी यही तो है लोगों के साथ आप तो। एक इंसान को एक हाथ दो अल्लाह आपको दस दे देता है तो ये तो है ना कि भाई ईमान इनका कमजोर है मजहब पूरा है ईमान कमजोर है ईमान आपको जो है आती है आते रसूल रसूल ने जो है हमेशा अपने साथियों को उठाया है अपने साथियों को खिलाया है भूखा रहा है लेकिन अपने मेहमान को खिलाए तो देखे हमारे सामने एग्जाम्पल्स है कारोबार रसूल सल्लम ने कभी मजदूरी की है तो फिर हम क्यों गुलामी करें हमारा ईमान है ना दरूद शरीफ तो हर कोई पढ़ता है रसूल रसुल्ला ईमान हमारा है कि अल्लाह के आखिर रसूल लेकिन अल्लाह के आखिर रसूल ईमान है लेकिन अल्लाह के आखिर रसूल ने जो हुक्म जो काम किया है हम नहीं करेंगे वो डू दैट विलोक्रेसी दाढ़ी है बड़ी बड़ी लेकिन जो है दाढ़ी के पीछे गलत काम कर इतना भी लिहाज नहीं करते रसूल सरसर तजारत हदीस है कि रिजर्व नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट जो है वो तिजारत। रसूल सर ने कभी भी किसी के साथ काम नहीं किया सारी उम्र तिजारत, बेड़ बकरिया तो अब आप कहोगे कि बेड़ ना बेचो यू नो सेल समथिंग डिफरेंट गाड़ियाँ बेच दो गाड़ियाँ बेच दो अच्छा अच्छा शाहिद अनवर के जो कोर्सेज होते हैं शाहिद अनवर टू नाइन्टी दो सौ में क्या वैल्यू मिलती है सो so, हमारा ऐप है यूनिवर्सिटी का आप प्ले स्टोर से गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो उसमें स्टूडेंट्स कम्यूनिटी है जहाँ पे लाइव एक दूसरे के साथ बात करते हैं सोशल मीडिया स्टूडेंट 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 और मेरा भी लाइव uh, क्लासेस है मेटोर uh, मैं खुद हूँ वहाँ पर कोई इनफो नहीं है लिजट लाइव क्लासेस है प्री रिकॉर्डिंग क्लासेस है वहाँ पर अब ऐप में जो है हम सोशल मीडिया अफेक्ट्स ला रहे हैं उसमें जो है लाइव ट्रेडिंग होगा सब कुछ होगा हमारी यूनिवर्सिटी में सात कोर्सेज है एयरबी पर रियल स्टेट पर ट्रॉप शिपिंग पर अमेजोन पर सारे फेसबुक मार्केट प्लेस पर hmm. जहाँ पर हम सब सिखाते हैं शॉक वैल्यू helps? मतलब आपने जो गरीबों वाला स्टाइल अपनाया और ज़रा शॉक क्रिएट किया एंडू, एंडू टेट जैसे hmm. उसने भी ज़रा इस तरह की बातें की ताकि शॉक वैल्यू क्रिएट हो और फिर उससे फिर उसने भी अपना

क्या हुआ रहे निकल के दो दो तीन वीक्स में लॉन्च हो जाएगा नहीं, नहीं, नहीं फिर? आप बैठ के नहीं पी सकते ऐसे क्या बोल रहे उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है इसमें एनर्जी नहीं इसमें कुछ और है ऐसा क्या है जो आप खड़े हो जाओगे आप खड़े होके पियोगे समझा नहीं मैं हमने अपने एनर्जी ड्रिंक को जमजम वॉरर से बनाया ओ माशाल्लाह माशाल्लाह तो आप जो है खड़े होके पियोगे सही उट तो प्लान तो तो no, सही सऊदी nice, well में भी लॉन्च करोगे दुबई में और पहले तो अमेरिका में लॉन्च करोगे लेकिन कोशिश है की डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली पाकिस्तान में ऐसे बड़े बड़े लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दे जिनके पास पैसा हो सही है। yep. Yeah. you're serious so. सही है। जी। दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट। और आगे और क्या करना चाह रहे अच्छा अभी आपने क्रिप्टो की बात की। सो व्हाट'स योर टेक अबाउट क्रिप्टो? अच्छा कनाडा में एक टीम है हम एक uh, प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं क्रिप्टो के बारे में। हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पर ये जितनी भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं ना mm. इनको हम पीओएस सिस्टम देंगे। उस पीओएस सिस्टम के थ्रू

इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे कि दुनिया में जो है वी हैव टू है आप देखिए अगर एक दुनिया एक कौम जब तरक्की करती है ना तो कह रहे कि हम यार तरक्की की ओर जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई तरक्की दे तो कि आयामत ओह क्यामत की निशानी है, <laughs> है खुद ये क्यामत की निशानी हमारे लिए टेक्नोलॉजी क़्यामत की निशानी है इसलिए तो हम पीछे हम हर एक नई चीज़ को बस दुनिया ख़त्म होने वाली है हम इसने तो आगे नहीं जाए हम बचपन से क्यामत की बातें कर रहे हो जी हम कयामत एंड छबे आने से यूनिवर नो कब आने वाला hmm. पर इंसान को आगे जब आएगा वी विल सी इट पर एक हर डे जो होता है हर एक दिन जब इंसान उठे आई थिंक इट शुड बी प्रोडक्टिव क्योंकि अल्लाह की नेमत है नेमत है अगर आप उठो जब आप उठो सब कुछ उठ जाता है राइट right?

क्या हो ऐसे आपने एक चीज कहू आपसे जमजम का पानी में बहुत होली होता है कहते हैं कि इंसान में कुछ मर्ज हो अगर ये पी जाए बंदर ठीक हो जाता है लेकिन मैं समझता हूं पाकिस्तान के मिट्टी पे बेगुना का खून बहा है आप हाँ। जिस मिट्टी पे बेगुना का खून बहा है अगर आप उसे जमजम से भी मुझे तो पाकिस्तान का फ्यूचर जो है जीरो, अनलेस कि हम जो है तोबा करें और बेगुनाह को ना मारे और प्रोडक्टिव बने एक दूसरे को फ्यूचर क्यों नहीं यार दुनिया आ, दुनिया में जो है इकोनॉमी हर एक दुनिया की इकोनॉमी hmm. हमने दुश्मन के बच्चों को कितना पढ़ाया राइट right? चांद पर पहुंच गए अब यार इत्या okay, खुद को पढ़ाना चाहिए अब हम भी चांद पे जाएंगे वी कैन गो दैट तो आई थिंक अबाउट इन माइंड हम क्या सोचते हैं लेकिन हमारी सोच ये है कि यार के बच्ची का नंबर कैसे यारिवर्सिटी <laughs> <laughs> में लगे hmm. यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा मसला यही है या yeah. गोल को छोड़ के होल के पीछे गोल पे किसी का फोकस नहीं है hmm. होल रोनाल्डो ने पहले गोल किया था या होल मारा था क्या किया था गोल मारा था फिर जाके दो दो गोल आ गए कैसे दिस इज द रियल प्रॉब्लम हमारे बच्चों को कहा जाता है शादी करो हमारे बच्चों को बिना गरीब बेचारा तो आपको पता है हमारी ये सोच है हमारी सोच गलत जगह पे जब सोच गलत जगह पे हो तो मेरे भाई आपका कुछ नहीं जैसे आप बता रहे थे कि लोग लोन लेके शादी करते हैं तो गलत बात है ना आप शादी करो लोन लो तुम्हारी बेटी जो किसी की बच्ची को जो है होंडा निशान में बिठा के ले आएगा कल बिचारी जो है छिंची पे पर टमाटर लेके जा रही है ज्यादा ही है राइट वो बिल्कुल जान कल तो हम टोयोटा में आए थे वो तो रेंट की थी बिचारी छिंची पे जा रही है भाई जरूरत क्या है तुम्हें शादी के लिए लोन लेना किसी की बच्ची को लाना एंड फिर जो है सात दिन बाद जो है शेख के गुलामी के लिए जाना फिर वहां पे जो है तकी में सुराख करके जो है सोरी जिंदगी गुजारना पैसा लगा रहे हो मेरे एक तो हमारे लोग शर्म बहुत आती है शेख के नीचे काम करेंगे शर्म नहीं आती लेकिन अपने मुल्क में जो है कुछ नहीं करेंगे hmm. यार मेरे पास डिग्री है मैं टमाटर बेचूंगा क्यों नहीं अगर तुम्हें कारोबारी बना मैं हमेशा कहता हूँ ना अक्सर बच्चे इस मैसेज करते हैं मुझे लाहौर से यूनिवर्सिटी से आस्क मी एनीथिंग बहुत से क्वेश्चन आए कि हमारे स्टूडेंट्स को एक मिनट का ये मैसेज दो मैं दे देता मैं दे देता मैं समझता हूँ कि अगर इंसान ने कारोबारी बनना है दिस इज द बेस्ट वे मंडी जाओ आलू जो आलू वाले से कहो भाई ये रेड़ा कहाँ से लिया है आलू कहाँ से आता है और उससे कहो कि मुझे आवाज लगाना सिखाओ आलू ले लो वो सीख लो वो बिजनेस मैन ऐसा

मनहूस चुड़ैल से कहो कि अपने ख्वाहिशात पे जो है सब्र हम जो है चुड़ैल ये मत कहो कि मेरे लिए खन लाओ मेरे मांग में सिंदूर डालो मंगल सूत हम मंगल सूतल डालते नहीं डालते राइट ओके okay. तो जो हाँ, मंगल को डाल देते <laughs> <laughs> तो मैं समझता हूँ कि वो एक करोड़ अगर बिजनेस पर लगाए तो भाई बार बार शादी करो हनीमून बार बार करो अब लोगों को बुला के लोग जाके औख करेंगे और उसको तो खाना जो है तो ये तो वो तो जरूरत क्या है hmm. लोगों के लिए का साधो सामान इकट्ठा करना यू डोंट हैव टू डू दैट बट लोग कहेंगे नहीं ये तो हमारा रिवाज है रिवाज क्या रिवाज तुम्हारे घर के बिजली का बिल भरता है क्या रिवाज तुम्हारे बच्चे का डायपर लाता है नो no. अगर अपने बच्चे का सिक्योर फ्यूचर चाहिए भाई वो एक करोड़ कारोबार में तुम्हें ही जुड़े बुलवाने की जरूरत नहीं तुझे जो है डांसर लाने की जरूरत नहीं पैसा और डु 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 जो है डु 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 लेकिन बाकी अंदर से पुस करता है क्या फायदा है ऐसी शादी का फायदा क्या है सोच गलत है हमारी पहली वाली सादगी से कर लो निकाह कर लो निकाह कर लो दूसरी वाली दूसरी वाली नहीं जब पैसे आ जाए उसी के जाके शादी करो उसके साथ जो उसी को देखे जो भी बहन ये तो आई नो हार्श दी बट जो भी बहन आप अपने मियाँ से जो है निकाह कर लो मस्जिद में मेहर महर भी ना मांगो बाद में वो पैसा अपने वो वाले शोहर को कहो कि यार इसे जाके लगाओ कारोबार वो जब कारोबार बन जाए हमारे लोगों में मसला है हम घर बना लेते घर को चलाने के लिए सऊदी जाते हैं हराम खौर पहले कंपनी बना रेंट रहे एक टेंट लगाओ वहां रहो लेकिन नहीं हमने चूल्हा लगाना है लेकिन चूल्हे के लिए गैस लाने के लिए हमें मजदूरी करनी पड़ती मैं कहता हूँ कि पहले कंपनी बनाओ घर के पैसे से काम शुरू करो जब वो काम पड़ जाए द रियल माइंड सेट क्या आपको तो जो भी बहन अगर अपने बीवी हस्बैंड से कहे कि यार इतना खर्चा ये करो नो यू टू डू दैट सिंपल निकाह करो जब कारोबार तगड़ा हो जाए अरे भाई बैंकॉक जाओ वहां पर बूम बूम करो पता है हमें बूम बूम करो

रियल स्टेट से कोई अमीर नहीं बनता ये सब बकवास है ये जो सरता तो है ये तो सब बकवास करता है कौन कहता है आपने एक जमीन लग से आपके पास दस बारह लाख है आपने एक जमीन ली उसमें आप कितना बना लेते हो कितना बना हो रेंट पे नहीं रेंट चलो एक लेट से आपने एक घर लिया अच्छा ये तो है तो दो करोड़ का फ्लैट रेंट पे डालो कितना रेंट आएगा आपको चालीस हजार साठ हजार तो आप चालीस हजार साल का या महीने का महीने का तो महीने का चालीस हजार बनाने के लिए आपने दो करोड़ का फ्लैट लिया है है, है सर, ये अमेरिका में भी ये करते हैं एक घर ले लेते हैं रेंट बेसमेंट में जो है एक रह नो यू डोंट हैव टू अगर आपके पास दस पंद्रह मिलियन है जितने ज्यादा आपके पास घर होंगे रॉबर्ट के पास जो है पंद्रह हजार घर है जी उसके पंद्रह हजार अपार्टमेंट का कितना बड़ा रियल स्टेट आप देखो ग्रैंड कार्डोन के पास पंद्रह ये जितने आपके ज्यादा डोर होंगे उतना आपको ज्यादा रेवन्यू लेकिन दे आर ऑलरेडी मिल गए तो वो बाय करते हैं रियल स्टेट अमीर लोगों के लिए जो अपने पैसे को पार्क करें दैट्स इट गरीब के लिए रियल स्टेट नहीं अगर आप कहते हो रियल स्टेट से अमीर होने के कुछ और करो तो पाकिस्तान में यही हुआ हुआ है हाइपर इन्फ्लेट हुई है मतलब कराची जैसे शहर में जहाँ

हमारा मानी शेयर्स लो आपको आठ हज़ार पाँच हज़ार एवरी डॉलर्स मिलेंगे तो क्यों चालीस हज़ार के लिए वहां पर जो है उस चीज़ को लगाना है स्मार्ट काम करो प्रोसेस स्पीड मिलेगा हुँ. नहीं करोगे देर ऑन तो यानी आपके खैर में पाकिस्तान में जो लोग रियल स्टेट में पैसा लगा के सो तो जाते हैं मतलब होता ही है कि आज आपने दस लाख की जमीन खरीदी बीस साल बाद वो एक करोड़ की हो गई बीस साल बाद

किस बारे में मतलब कुछ कर पाएंगे कुछ जिंदगी में बन पाएंगे टट्टी तो हर दिन करते हैं <laughs> लेकिन एक्शन नहीं लेते भाई बहाने बहुत हैं बहाने देखे बहाना ये बहुत ही बड़ा जहर है जो हम खुद को डेली देते हैं और पाकिस्तान में जो है कुछ नहीं है यहाँ के हुक्मरान जो है अगर ये हुक्मरान आ जाए ना तो ये होगा भाई तेरा हुक्मरान तुम्हारे घर के बिजली का बिल कभी भरा इमरान खान ने कभी आपके घर की बिजली का बिल भरा है नवाज शरीफ ने नहीं भरता राइट खुद तो बरता है बहाना कि मैं नहीं कर सकता ये हूँ नहीं होगा नसीब नहीं ये सारे बहाने हैं माँ बाप ने नहीं किया भाई तुझे अपने माँ बाप से क्यों ला क्या लेना देना भाई उनकी अपनी जिंदगी थी तुझे पैदा किया उनने अपना मजा लिया अब तू जो तू कर भाई से उम्मीद हमारे लोग उम्मीद बहुत रखते हैं अच्छा हमारे लोग पास्ट में भी रहते हैं या फलाने राजपूत थे हाँ। हमारे दादा की ट्रेन चलती तू क्या है हाँ। ट्रक वही तो ना जो कुज़ाबांडे का जो हम कुछ बांडे का खान है और मेरा दादा तू है।, है, खान खान, खान, है क्या चलाता है बात है देखो खान 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 ऐसे होता है मैं तो काला कड़ी का खान नहीं बारा आप देख सकते कि मैं कैसे रहता हूँ यू यंगस्टर जो भी हो मूवियो पिछवाड़ा सुबह निकलो प्रोडक्टिव चीज़ें करो अपनी कंपनी टिकटॉक के साथ जो है टिकटॉक सेलर सेंट्रल है उस पर प्रोडक्ट सेल करो अमेजोन का सेलर सेंट्रल है उस पर प्रोडक्ट सेल करो शॉपिफाई है डिजाइनिंग सीखो फाइवर पे जाओ सर्विसेज दो अच्छी स्किल सीखो लोगों को ठगना बंद कर दे थिंक uh, हमारा जो शॉर्टकट वाला माइंड सेट है और डिसऑनेस्टी वाला माइंड सेट है इसकी वजह से देखिए हम मुसलमान हैं अलहमदिल्ला हमारा ये मानना है कि हराम की जो रसी है ना जिंदगी छूट जाती है सो यू हैव टू बी लॉयल बिजनेस के साथ भी आपका एटीट्यूड जो है बिजनेस में अच्छा होना चाहिए आप जो है आगे बढ़ने में आपको जो है ईमानदार होना पड़ेगा लेकिन आप अपने साथ ईमानदार नहीं तो बिजनेस में कैसे जाएंगे थैंक यू शायद काफी मजा आपसे बात करके आप लोगों ने भी कुछ वैल्यू जनरेट की होगी इस एपिसोड से और तरीक़ाकार पे आप भले क्वेश्चन कर सकते हैं शाहिद को कि थोड़ा सा कभी कभी हार शो तक मगर बात वो सही करता है हरकत में बरकत है बहानेबाजी करते रहोगे तो बहाने तो, तो सवा लाख रोज सवालों तो में मिलेंगे इमरान खान जेल में है फलाना नहीं है वो आ जाएगा तो ये कर लूंगा मुश्तरी इधर हो जाएगा हाँ। सितारे अलाइन हो जाएंगे बहाने तो सवा दस करोड़ है लेकिन यू हैव टू टेक योर ओन एक्शन